हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोकेमोन द लास्ट फायरहेड के ब्रांड न्यू एपिसोड में। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की पूरी कोशिश के साथ मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। सो आपको पता ही होगा, लास्ट एपिसोड में मैंने कोका को हरा दिया था और अपना फिफ्थ बैच भी जीत लिया था, एज वेल एज मैंने सफारी जोन को भी एक्सप्लोर कर लिया था। उसके साथ मुझे HM03 और HM04 मिल चुके हैं। तो गाइस, आज के एपिसोड में हम साइकिलिंग रोड को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे सीफोम आइलैंड्स की ओर। तो सबसे पहले बाइसिकल यूज़ कर लेते हैं और सीधा चलते हैं साइकिलिंग रोड की ओर। वैसे गाइस, आपको अगर पता हो तो लास्ट एपिसोड में हमने एक कॉमन एग हैच किया था जिसमें से निकला था एक फ्लै बेबी, और आज एक रेयर एग हैच हो सकता है। तो देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। यह मेरी जमीन है, चलो निकलो यहाँ से। अभी जा रहा हूँ, इतनी अकड़ मत दिखा। सो इस अकड़ू जैकोब के पास एक डॉड्रियो, तो चलो आज एक बर्ड वर्सेस बर्ड बैटल हो ही जाए। स्टारप्टर यूज करो ब्रेव बर्ड। ओहो हो हो, क्या बात है, वन शॉट फेंटेड। और स्टारप्टर आ चुका है लेवल 68 पर। अगला पोकेमोन है फियरो, तो ये बैटल थोड़ा चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इस बार यूज करेंगे सुपर सोनिक स्काई स्ट्राइक। हो जाए स्टार्टर, हमारा जलवा दिखाओ। बेहतरीन, फियरो भी वन शॉट फेंटेड। और अगला पोकेमोन है नॉट आउल। स्टार्टर फिर से यूज करो ब्रेव बर्ड। अब तो मुझे पक्का यकीन हो चुका है ये भी वन शॉट फेंट हो जाएगा, और ये हो गया। इसका लास्ट पोकेमोन था क्रेमरंट, हमने उसको भी हरा दिया और उसके साथ हमने ये बैटल जीत लिया है। और अब ये नॉइ बैट सीखना चाहता है सुपर फैंग, तो मैं जरूर सिखाऊंगा। मुझे लगता है एयर कटर मुझे हटा देना चाहिए। वैसे भी रेजर वेंट बहुत ही अच्छा अटैक है और बाइट भी काफी अच्छा है। सो नॉइ बैट को मैंने एयर कटर फॉरगेट करा दिया है और उसने नया अटैक सीख लिया है जो कि है सुपर फैंग। ओके, सो यहाँ से जाते जाते ये पुखी बॉल लेकर जाते हैं। सो मुझे मिल चुका है एक लकी एग, जिससे मेरे पोकेमोन को एक्स्ट्रा एक्सपी पॉइंट मिल सकते हैं जो मुझे नॉइबेट को ट्रेनिंग देने में बहुत काम आएगा। आई विश आई हैड अ बाइक। और जनाब, आप क्या कहना चाहते हो? बताओ मुझे, तुम्हें मेरा बर्ड कूल कैसा लगा है? मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा था। वेल, इसके पास एक टैलोन फ्लेम है। सो मैंने कोशिश की कि स्टार्टर की मदद से मैं उसको हरा दूं, लेकिन मैं नहीं हरा पाया उसको। वेल, साइकिलिंग रोड के लिए वार्म अप बैटल्स हो चुके हैं, सो चलो अब वही चलते हैं। ओह, यहाँ तो चैंसी भी है, तो चलो पोकेमोन हील करा के ही चलते हैं। थैंक यू चैंसी, बाय। मैं एक चीज़ भूल रहा था, जाने से पहले प्रोफेसर ओक के एड से मिल लेते हैं। नहीं, यहाँ तो कोई एड नहीं है, लेकिन मुझे मिल चुका है एक स्टीलिक साइट जो मुझे कोई काम नहीं आएगा। और यहाँ ये अंकल 10,000 में कुछ मूव्स बेच रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर चलो अब यहाँ से चलते हैं, जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो तो हुआ नहीं। ओके, सो गाइस, मैं आ चुका हूँ रूट 18 पर, और यहाँ एक स्काई ट्रेनर है। क्या तुम एक स्काई ट्रेनर के साथ एक स्काई बैटल करना चाहते हो? ओके, तो चलो उड़ान भरते हैं। इससे पहले भी मुझे मौका मिला था कि मैं स्काई बैटल करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाया था। वेल, इसके पास एक स्टारप्टर था जिसको मैंने हरा दिया है, और इस बार है एक टॉर्नेडस। तो स्टारप्टर यूज करो जी पावर वाला सुपर सोनिक स्काई स्ट्राइक। देखते हैं एक लेजेंडरी पोकेमोन जी मूव के आगे बच पाता है या नहीं। ओह, बच गया, वेरी गुड। फिर से एक ब्रेव बर्ड। अरे यार, इसने चेंज कर दिया, अब आ चुका है स्टारप्टर। सो गाइस, वो बैटल खत्म हो चुका है, सो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाय, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पिकाचू को वोल्ट टेकल सिखाऊं? हाँ जरूर, लेकिन मेरे पास पिकाचू नहीं है, टॉक्सिसिटी है, वो नहीं सीख सकता यार। ऐसा क्यों यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो कोई नहीं, लगता है हमारा नसीब ही नहीं है। वेल, यह एक डायनामिक्स डैन है जिसमें भी कुछ भी नहीं है। ऊपर एक पोकी बॉल है और मुझे मिल चुका है एक अर्थ प्लेट। ओके, सो चलो इन बाइकर्स के साथ एक कड़ी ट्रेनिंग हो जाए। यहाँ से निकल जाओ बच्चे, आई एम बस्ट। मैं ये बैटल स्किप ही करने वाला था, लेकिन इसके पास एक सैड स्कॉर्च है जो कि है फ्लाइंग और ड्रैगन टाइप, जहाँ तक मुझे लगता है। और ब्रेव बर्ड से इसकी छुट्टी हो चुकी है, देखते हैं अगला पोकेमोन कौन सा होता है। अगला पोकेमोन है राइचू, तो उसके सामने लेट्स गो लुकारियो।
चलो लुकारियो, इस राइचू को हमारी पावर दिखाते हैं। ओ ये तो अलोलन राइचू है। तो फिर लुकारियो यूज करो ड्रैगन पल्स। अरे ये तो क्विक अटैक कर रहा था। एक और ड्रैगन पल्स हो जाए। 1 HP से बच गया है, तो चलो इस बार यूज करते हैं स्ट्रेंथ। सो इसके साथ राइचू फेंट हो चुका है और लुकारियो लेवल 72 और टॉक्सिसिटी लेवल 65। अगला पोकेमोन है बेवेयर। तो बेवेयर भी हार चुका है और नॉट बैड है चुका लेवल 45 पर। अगला पोकेमोन है गोली सपोर्ट, जो कि है एक बग और वाटर टाइप। काफी खतरनाक दिखता है ये। वेल लुकारियो यूज करो ड्रैगन पल्स। और कोई अच्छा डक नहीं दिख रहा। ओह ये कैसी एबिलिटी है यार, एयर बलून। कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। अरे यार थोड़े के लिए बच गया और इमरजेंसी एग्जिट से वो भाग गया। और अब आ चुका है अलोलन वीजिंग। माफ करना ये अलोलन नहीं है, ग्लारियन वीजिंग है। वेल जो भी हो, लुकारियो यूज करो ब्लीज किक। अरे यार इसे यूज कर लिया है एक्सप्लोजन। वेल आज काफी नए नए पोकेमोन्स देखने को मिल रहे हैं, मजा आ रहा है। क्या तुम सेटिस्फाइड हो? हाँ इस बैटल से मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मुझे और बैटल्स करने हैं और मेरे पोकेमोन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। और यहाँ एक डेन है जिसमें एक फारफेच है। ओके सो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से चलते हैं राइट से। यहाँ एक पोकेबॉल है तो चलो उसको लेकर बाद में चलते हैं। अरे यार ये क्या होता है यार साइकिलिंग रोड पर। जो भी हो, फाइनली मुझे मिल चुका है एक बिग रूट। और इस वाले ट्रेनर से हमने बैटल नहीं किया, वो हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल इस पोकेबॉल में से मुझे मिल चुका है एक विश पीस। काफी अच्छी चीज मिल चुकी है जो हमें डायनामिक्स डैन में काम आएगी। ओके सो शायद से अब मैं ऊपर आ चुका हूँ और ये रोड खत्म होने वाला है। तो चलो एक बैटल हो जाए। चलो आप बैटल कर लो। तुम फुसिया की ओर जा रहे हो? अरे नहीं भाई, मैं फुसिया से आ रहा हूँ क्रॉसनबर्न। ओके सो चलो ऊपर देखते हैं। यहाँ की साइकिलिंग गैंग आ गई, ये रही। ए डियर, चलो हम अपने आप को एक अच्छा समय देते हैं। मुझे पागल मत बनाओ। नहीं। वंस मोर। अरे यार मैं क्यों तुम्हें पागल बनाऊंगा, वो तो तुम पहले से ही हो, तो मुझे क्या जरूरत है। हाँ गाइस सही समझे आप, साइकिलिंग रोड पर मैंने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और अब रेयर एग में से हैच हो चुका है एरोन। मजा नहीं आया यार, मुझे लगा था रेयर एग में से कोई और रेयर पोकेमोन निकलेगा, लेकिन ये तो एरोन निकला। जो भी हो, एरोन भी अच्छा ही है, लेकिन फिर भी रंगीला की फिर से टीम में वापसी हो चुकी है और एरोन को मैंने पीसी में रख दिया है। फिलहाल यहाँ एक पोकेबॉल है और मुझे मिल चुका है एक रिंग टारगेट। वेल क्या मैं इस गेम में जा सकता हूँ? चलो जाकर देखता हूँ। नहीं जा सकता यार। रुको, धीरा हो जाओ, नहीं तो तुम्हें एक हार्ट अटैक आ जाएगा। कुछ भी? अबे क्या कुछ भी बकवास करता है। ओह वो बहुत ठंडा है। वाव, यस गाइस, जिस पल का आप इंतजार कर रहे थे वो पल आ चुका है। नॉय बैटल वॉल हो रहा है और अब वो फाइनली बन चुका है नॉय वन। लेकिन यार कोई नया अटैक नहीं सीखा इसने, मुझे लगा था ये कोई नया अटैक सीखेगा। वेल अभी तो किसी और को नया अटैक सिखाने की जरूरत है। उसके लिए मुझे टीएम केस ढूंढना पड़ेगा। कहाँ गया मेरा टीएम केस? अरे यार ये रहा। ओके सो ये लो राजू, सीख जाओ सर्फ अटैक, जिसकी अभी हमें बहुत जरूरत है। सो मुझे लगता है मुझे लिक्विडेशन हटा देना चाहिए, तो वो मैंने हटा दिया है और राजू ने अब सीख लिया है सर्फ। चलो चले राजू। अरे यार कबाब में हड्डी, मैं समुंदर को देखते रहता हूँ और सारी बुरी चीजों को भूल जाता हूँ जो होती रहती है। नाइस, अच्छी बात है। वेल इसके पास एक लॉइटजर है, लेट्स गो टॉक्सिसिटी, यूज करो स्पार्क। इससे काम तो बन गया, लेकिन ये 2 HP से बच गया। फिर से स्पार्क यूज करना पड़ेगा। यार इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही है। फिर भी क्लॉइटजर हो चुका है फेंट और लुकारियो हो चुका है लेवल 74 पर। अगला पोकेमोन है क्रोडंट। अरे यार बीच में एक और पोकेमोन आ चुका है जो कि है फीबास। अब तो सुपर एपल यूज कर लेते हैं। ओके बहुत सारे ट्रेनर से हम बच चुके हैं और अब इनसे भी बच गए हैं। और यहाँ एक पोकेबॉल है और मुझे मिल चुका है एक फ्लोट स्टोन।
ओके सो इसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमारी टीम में कोई भारी पोकेमोन है ही नहीं। तुम पोकेमोन की राइड क्यों कर रहे हो, तैर नहीं सकते क्या? अरे तैर नहीं सकता इसीलिए तो राइड कर रहा हूँ। आउच टॉर्पीडोड, लगता है इसे लग गई। वेल जो भी हो इससे मैं बच चुका हूँ और फाइनली अब मैं सी फोर माइलेंस पर आ चुका हूँ और मुझे मिल चुका है एक रॉकी हेलमेट। तसल्ली के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। यस मैं सही था। वेल यहाँ एक पोकी बॉल है, चलो वो देखते हैं। सो मुझे मिल चुका है एक बॉन्ड ड्राइव जो कि जेनेसेक के काम आ सकता है। ओके जब वो हमारी टीम में आएगा वो बाद में हम देख लेंगे, अभी फिलहाल सी फोर माइलेंस पे आगे बढ़ते हैं। एक और पोकी बॉल और आई सील, बहुत ही बढ़िया। रैपल का इफेक्ट खत्म हो गया, चलो सुपर रैपल यूज कर लेते हैं। ओके और यहाँ एक पजल है जो कि आपको पता ही होगा, हमें इस बोल्डर को इस होल में जाने देना है। ओके सो फाइनली मैंने इस बोल्डर को होल में भेज दिया है, तो चलो इस सीढ़ी से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एक और बोल्डर है, इसको भी हमें होल में भेजना ही होगा, लेट्स डू इट। अरे यार बोल्डर के साथ मैं भी नीचे गिर गया। यहाँ एक और बोल्डर और होल है लेकिन मुझे नहीं लगता अब हमें कुछ करना चाहिए, आगे ही बढ़ते हैं। ओके अब आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है सर्व करना पड़ेगा। यस चलो चलते हैं। ओह वेट मैं यहाँ पोकी बॉल भूल चुका हूँ, तो चलो सबसे पहले वो पोकी बॉल कलेक्ट कर लेते हैं, क्या है उसमें देखते हैं। सो यहाँ से मुझे मिल चुका है एक अल्ट्रा बॉल, वाओ। यहाँ आगे एक सीढ़ी है लेकिन मुझे नहीं पता हम वहाँ से कहाँ जा सकते हैं। और ये रहा हमारा लेजेंडरी बर्ड आर्टिकोनो जिसको हम यहाँ पकड़ने आए हैं। सो यहाँ एक पोकी बॉल है और मुझे मिल चुका है एक आइसिकल प्लेट और एक और सीढ़ी है और कुछ पजल्स हैं नीचे। एक और सीढ़ी से हम नई जगह पर आ चुके हैं और यहाँ भी पोकी बॉल्स है, तो मुझे मिल चुका है एक एबोमा साइट और इसमें से मिला है एक बिग पर्ल। सो फाइनली गाइस मैंने यहाँ की सारी जगह को चेक कर लिया है और मुझे यहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली हैं, जिसमें से एक है फिश फॉसिल, TM77 ब्राइन और एक और TM मिला है जो कि है एवलेंच का। ओके सो चलो बाहर चलते हैं। अरे बाहर नहीं आना चाहिए था, मैं भूल गया मुझे अभी एक पजल सॉल्व करना बाकी है, तो चलो वही कर लेते हैं। यस आखिरकार मैंने ये पजल सॉल्व कर दिया है और अब मैं आर्टिकोनो के पास जा सकता हूँ, लेट्स गो राजू। फाइनली मैं इसके पास आ चुका हूँ, तो चलो एक फोटो हो जाए। यस तो अब मैंने गेम भी सेव करी है लेकिन बीच में एक पोकेमोन आ गया जो कि है एक वैनिलाइट, बाय। प्लीज आर्टिकोनो एक और अच्छा सा फोटो हो जाए। हम साथ, साथ है। थैंक यू आर्टिकोनो, चलो बैटल हो जाए, मतलब कि चलो लेट्स गो नॉयवन। हमें इसे सिर्फ कमजोर करना है, यूज करो एयर स्लैश। चलो अच्छी बात है थोड़ा ही असर हो रहा है, लेकिन फ्रीज ड्राई का तो काफी ज्यादा असर हो रहा है यार, और नॉयवन फेंट हो चुका है। तो अब मैं किसे बुलाऊं यार, राजू तो ओवर पावर्ड है, रंगीला को भी नहीं बुला सकता और स्टार्टर को भी नहीं, लुकारियो ही अच्छा रहेगा, लेट्स गो लुकारियो। लुकारियो के पास स्ट्रेंथ है जो कि कम डैमेज दे सकता है और काफी अच्छा डैमेज मिल चुका है। अब मुझे लगता है मुझे पोकी बॉल यूज करना चाहिए। कहाँ गया अल्ट्रा बॉल, नीचे होगा, ये रहा अल्ट्रा बॉल। प्लीज यार पहली बार में आ जाना। नहीं यार ये नहीं आया और ऊपर से फ्रीज ड्राई कर दिया, कोई बात नहीं फिर से ट्राई करते हैं। फिर से बच गया यार, कैसे गाइस? मैंने कम से कम 15 से 20 अल्ट्रा बॉल ट्राई कर लिए फिर भी ये नहीं आ रहा पकड़ में, और मैंने कुछ और पोकी बॉल्स पे ट्राई किए थे लेकिन ये नहीं आ रहा था, तो फाइनली मैंने मास्टर बॉल में इसे कैच कर लिया है। यस अब हमारे पास है लेजेंडरी आर्टिकोनो। मुझे तीनों लेजेंडरी बर्ड्स में से आर्टिकोनो सबसे ज्यादा पसंद है, तो फाइनली सी फोर माइलेंस पर कुछ भी काम नहीं बचा है, तो चलो चलते हैं सिनेमार आइलैंड। चलो राजू जल्दी ले चलो, सारे ट्रेनर्स की आंख में धूल झोंकना है। अरे मेरी बॉयफ्रेंड ने मुझे बिग पर्ल्स दिए थे। ओह नहीं वो पर्ल्स उनके अंदर थे। अबे तो तू पागल है क्या, क्यों बैटल किया मेरे साथ? वेल यहां से हमें मिल चुका है एक सैपिडो नाइट। ओके राजू चलो आगे चलते हैं, यहाँ एक डायनामिक्स डैन है और इसके अंदर है एक प्यूपिटर, क्या कहते हो पकड़ ले क्या? नहीं यार जाने दो, चलो इन सारे ट्रेनर्स को डॉज करना पड़ेगा।
बड़ी आसानी से कर लिया और यहाँ एक गैराडोस है, साइनी गैराडोस। एक गुस्सेदार गैराडोस ने अटैक कर लिया। यार साइनी गैराडोस को पकड़ने का मौका मिल रहा है, मैं क्यों जाने दूंगा, मैं जरूर पकड़ूंगा। रंगीला यूज करो बग बाइट। अच्छा डैमेज नहीं मिल रहा लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, यही करना पड़ेगा। लेकिन यार ऐसे तो रंगीला फेंट हो जाता है, इसलिए मैंने बुला लिया है लुकारियो को। और यार अच्छा हुआ गैराडोस 1 HP से बच गया। चलो अब यूज करते हैं हैवी बॉल। प्लीज पकड़ में आ जाओ। अरे यार नहीं आया। ठीक है हाइड्रो पंप यूज कर लिया है, तो फिर इस बार यूज करते हैं अल्ट्रा बॉल। लेट्स गो अल्ट्रा बॉल। ये गया। क्या ये तो इसमें भी नहीं आया। लेकिन फाइनली मैंने इसको टाइमर बॉल में पकड़ लिया है। एक सेकंड रिवाइंड करके देखना जरा, ये क्या दिखा रहे थे यार, किंगलर में से गैराडोस बनता है। वेल चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े गेमों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, लेकिन हमारी नर्स से कोई गलतियां नहीं होती है ना नर्स जॉय। ऐसा नहीं है, मुझसे भी गलतियां होती रहती है, मैं भी एक इंसान ही हूँ। हाँ ये भी ठीक है नर्स जॉय। ओके सो चलो अब चलते हैं जिम में। नहीं जिम तो लॉक होगा है ना, तो फिर चलते हैं फॉसिल लैब में, या फिर कह सकते हैं रिसर्च सेंटर में। कौन से रूम में जाना था मुझे, मे बी लास्ट रूम में। लेट्स सी। एक पोकी बॉल जिसमें था एक मेडो प्लेट। या मैं एक इम्पोर्टेंट डॉक्टर हूँ, हाँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ मैं पोकेमोन फॉसिल्स के बारे में पढ़ता हूँ। तुम मेरे लिए फॉसिल लाए हो? ओ वो तो डॉम फॉसिल है, ये कबूतर का फॉसिल है। मेरी रिसरेक्शन मशीन इसको फिर से पोकेमोन बना देगी, तो तुम जल्दी करो और मुझे वो दे दो। मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तब तक के लिए तुम थोड़ा चल के आ सकते हो। हाँ ठीक है, तब तक के लिए मैं जिम की चाबी का रास्ता ढूंढ कर आता हूँ। वेल गाइस क्या मुझे सबसे पहले सबरीना के पास आना चाहिए या फिर यहाँ इस ब्लीम के पास, वो मुझे आप कमेंट में बताओ। ब्लीम। ओह सरीना तुम वापस आ गई। मुझे पता था कि तुम एसी एलन पर आने के लिए जा रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ तुमसे पहले आ चुकी थी। पिछली बार जो मैंने तुम्हें चैलेंज किया था उसको तुम्हारे दोस्तों ने बिगाड़ दिया था, और मैंने वो चैलेंज तुम्हें फोसिया सिटी में दिया था, इसीलिए मैं तुमसे एक बैटल चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम कैसे फाइट करती हो, लेकिन फ्रेंकली मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहती हूँ बहुत लंबे समय से, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिल रहा था। हाँ सरीना तुमने सही कहा, पिछली बार भी वो लोग बीच में आ गए थे, लेकिन कोई बात नहीं इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टॉक्सिसिटी यूज करो एसिड अटैक, नहीं डायनामिक्स हो जाओ और यूज करो मैक्सूज। अब पता चलेगा टॉक्सिसिटी में कितना पावर है, मैंने उसे पहली बार डायनामिक्स किया है। डैमेज तो अच्छा मिला है लेकिन थोड़ा कम है, वो भी लेवल कम होने की वजह से। लेकिन साइड शॉक तो कुछ ज्यादा ही सुपर इफेक्टिव है, हमें कुछ करना पड़ेगा। टॉक्सिसिटी यूज करो मैक्स लाइटनिंग। ओह क्या बात है, मैक्स लाइटनिंग का डैमेज काफी अच्छा मिला है। लेकिन टॉक्सिसिटी तुम्हें एक और बार साइड शॉक झेलना पड़ेगा, प्लीज झेल लो यार। बहुत ही बढ़िया, अब यूज करो मैक्स यूज। यार सरीना तो बहुत ही चालाक निकली, उसने डेलफॉक्स को बुला लिया। अब तो टॉक्सिसिटी की बात लगने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं मुझे अच्छा लगा उसने डैमेज तो दिया जाते जाते। टॉक्सिसिटी तो गया, लेकिन अब आ रही है राजू की। राजू यूज करो सर्फ। क्या ये वन शॉट फेंट हो जाएगी? यस ये तो हो गई, बहुत ही बढ़िया राजू। नॉर्मल आ चुका है लेवल 55 पर, और अगला पोकेमोन है पेंगोरो। एक नॉर्मल टाइप पांडा के सामने मैं यूज करना चाहूंगा नॉइवन को। लेट्स गो नॉइवन। अब बारी है कड़ी ट्रेनिंग की, यूज करो एयर स्लैश। इतनी आसानी से अवॉइड भी कर दिया और ठंडेपन से फिट भी कर दिया। यार ये नॉर्मल टाइप के पास यही एडवांटेज होता है, कोई भी किक या फिर पंच यूज कर सकते हैं। कोई बात नहीं स्टार्टर, अब हमारी बारी है बदला लेने की, यूज करो क्लोज कॉम्बैट। शानदार स्टार्टर, तुम ये कर सकते हो, इस बार यूज करो ब्रेव बर्ड। यस हमने पेंगोरो को भी हरा दिया, और अब देखते हैं अगला पोकेमोन कौन सा होता है। स्टार्टर हो चुका है लेवल 73 पर, और अगला पोकेमोन है सिल्वियन जो कि 1 HP पर टिका हुआ है। इस पर यूज करो फ्लाई। अरे यार फिर से चेंज, ये सेरेना क्या करना चाहती है, ये क्यों अपने सिल्वियन को बार बार बचा रही है।
अगर ऐसी बात है तो मैं भी यूज करूंगा लुकारियो को। लुकारियो यूज करो ब्लेज किक। अरे यार क्या हो रहा है आज मेरे साथ, सारे अटैक्स अवॉइड कर रहे हैं ये लोग। और ये सेरेना बहुत ही चालाक है, बार बार पोकेमोन चेंज करके मुझे कंफ्यूज कर रही है। लेकिन आखिरकार सिल्वियन फेंट हो चुकी है और अगली बारी है फिर से फ्लोर गैस की। लुकारियो यूज करो ब्लेज किक। देखकर तो मुझे ऐसा ही लगा था कि फ्लोर गैस ग्रास टाइप है, लेकिन अब लग रहा है कि फ्लोर गैस फेरी टाइप है। मेरा स्ट्रक्ट सही निकला, ये फेरी टाइप ही है। लेट्स गो स्टार्टर, अब इसे मजा चखाने की बारी है। जाओ यूज करो ब्रेव बर्ड। अरे यार ये कितनी बार चेंज करेगी, माइलोटिक आ गया। तो ठीक है मैं भी पोकेमोन चेंज कर करके तुम्हें कंफ्यूज कर दूंगा सेरेना। लेट्स गो रंगीला। ओह शूट मैन, इसे कहते हैं सही समय पर डायनामैक्स यूज करना। मैक्स हील स्ट्रोम, यार अब तो रंगीला गया। नो बॉल पे सिक्सर मारा है सेरेना ने, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास दो ऑप्शन है, राजू या फिर स्टारप्टर, और मैं जाऊंगा राजू के साथ। लेट्स गो राजू, यूज करो स्नाइप शॉट। चाहे जितना भी हो हमें डैमेज मिलते रहना चाहिए। मैक्स वॉर्म विंड, ये तो हमें सुनहरा मौका दे रहा है, तो राजू मौके का फायदा उठाना चाहिए। इस बार यूज करो हाइड्रो पंप। कितनी बार अवॉइड यार, लेकिन कोई बात नहीं, अब चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ये माइलोटिक का आखिरी डायनामिक्स अटैक था। राजू हाइड्रो पंप करके दिखाओ। यस माइलोटिक फेंट हो चुका है और अगली बारी है फ्लोर गैस की। जाओ राजू स्नाइप शॉट से इसे उड़ा दो। यस क्या बात है, इसी के साथ फ्लोर गैस भी फेंट हो गई। और अब सेरेना का लास्ट पोकेमोन है लोपूनी। राजू यूज करो हाइड्रो पंप। अरे यार क्या बात है, मेगा इवॉल्व, ये तो मैं भूल ही गया था। अरे नहीं यार, अब राजू फेंट हो चुका है और सिर्फ बचा है स्टार्टर। तुम्हें करना पड़ेगा स्टार्टर, जाओ यूज करो सुपर सोनिक स्काई स्ट्राइक। लो पुणे वापस आओ। हा? मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। ये तो मुझे भी नहीं पता था सेरेना। लेकिन भीम तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एक पोकेमोन बैटल का सिद्धांत होता है मजे करना, ना कि स्ट्रॉन्ग या फिर वीक बनना। लेकिन पोकेमोन को लव और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आ भीम, मैं तुम्हें फुर्सिया सिटी में कुछ देना भूल गई थी। वेल तुम्हारे अगले जिम के लिए गुड लक, शायद से मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगी। हाँ सेरेना मेरी भी वही इच्छा है। वेल गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन आज से श्रावण मास की शुरुआत हुई है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ हर हर महादेव, खुश रहो और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दूसरों को भी खुश रखो। इसलिए अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो लाइक करके जाना, अगर लाइक करना भूल गए हो तो। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।